What's up guys, good morning, welcome back to our channel. मैं हूं तरुण, ये ज्योति और आप देख रहे हैं तरुण नेगी व्लॉग्स। और आज सुबह सुबह ज्योति खुद से उठ गई है अपना ब्रेकफास्ट बनाने। और कैसा लग रहा है ज्योति आपको कि आपको अपने लिए अब रोज ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा अकेले अकेले सुबह सुबह? मैं तो वीडियो बनाऊंगा ना तुम्हारी। तो ज्योति ने भी सब कुछ खा रखा है, सब्जी वगैरह, और ये सैंडविचेस बना रही है, उसने मेरे लिए प्रिपेयर करके रख दिया, अपना बना रही है। इसको ये लेके जाएगी ऑफिस। ओरिजिनली क्या बन रहा है मान लें? क्या बन रहा है ये? तो तुमने लंच का ब्रंच का सेटअप कर रखा है ना तुमने? तो वो क्या बोलता है सर जी, तो क्या कहना था? वो तो बस चाय पीनी है। चाय और हाफ फ्राई एग। हाफ फ्राई एग भी बनाओगे? चलो ठीक है। मेरा तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, काम चल रहा है। अभी मैं थोड़ा ऐसी आ रखा हूँ जब तक ज्योति खाना बना रही है। तुम्हारा खाना देख के मुझे अपने आप से बनाने का मन कर गया है। ठीक है, मत खाना। गाइस, इतनी जल्दी हार मान जाती लड़कियाँ, कोई नहीं। अब ये रोज का है। ए, अपनी चूड़ी की वो चमचमी मत गिरा देना यार सैंडविच के अंदर। मैं कहीं कचर कचर आ रहा कहीं मुँह पे। आज दिखाता हूँ तुम्हें नोएडा का मौसम क्या हो रहा है। फिलहाल तो कुछ दिनों से बारिश चल रही थी, आज भी ऐसे ही लग रहा है कि बारिश आएगी। मौसम तो लग रहा है बारिश होगी, पर दिन तो अपना काटना ही है। ज्योति को ऑफिस जाना ही है और हम अपना काम करना ही है। तो आप भी अपना काम कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या करना है? यस गाइस, जो भी हो सकता है सब कर दो, अपना काम देखो। गाइस क्या बढ़िया बेड से बैठ के आराम से रजाई में लेट के, और अभी ज्योति जाएगी बेचारी मेट्रो में, एक घंटे का सफ़र करके इतनी दूर। और अब को देखो, और अब देखो, वाओ क्या सेटअप है, वाओ ब्यूटीफुल। ज्योति हो गई तैयार, अब ज्योति को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। बाय बेबी, आराम से जाओ, अच्छे से जाओ, कर दो लॉक, चलो बाय। गाइस आज नाश्ते में बन रहा है सैंडविच जो ज्योति मेले प्रिपेयर करके गई थी सुबह सुबह। और गाइस आज के लिए कैसी मिठाइयाँ हैं, ये मिट्टी नहीं यार, मुँह धोने के बाद दो तीन वॉश के बाद जाती है। और मेरा सैंडविच बस होने ही वाला है। ये हो गया गाइस डन, सो करते ऑफ। अब इसको काटना है गाइस, एक हाथ से कैसे काटूँ, चलो ट्राई कर लेते। ओ वाह, अंदर दिखाता हूँ। ओ वाह, मज़ेदार। कि प्लेट कैसी ले ली मैंने, अपने लिए टास्क बना दिया। और गाइस वही इमली और केचप का कॉम्बो, बेस्ट कॉम्बो। अब मैं करता हूँ अपना ब्रेकफास्ट, मिलते बाद में। गाइस ब्रेकफास्ट तो खा लिया, और यहाँ पे फिर से अगेन धूप ही नहीं आ रही ढंग से, कपड़े दो दो दिन में सूख रहे हैं, इतनी देर में उन पर इतनी धूल जम जा रही कि पूरा मूड खराब हो रखा है। मौसम देखो कितना डल सा है। आज क्या करेंगे हम, अभी मेरी जॉब चल रही है, उसके बाद थोड़ी सी सफाई वगैरह करेंगे, ज्योति को सरप्राइज करेंगे कि पूरा घर साफ कर दिया है मैंने। देखते वो नोटिस करती भी नहीं करती, या उसे गंदगी की आदत हो चुकी है। तो जब वो आएगी तो उसे पूछेंगे कि तुम्हें क्या चेंज लग रहा है। चल, पर हाँ घर इसलिए गंदा नहीं है कि हम साफ नहीं करते, घर इसलिए गंदा है क्योंकि हम जस्ट नोएडा अभी वापस आए थे देहरादून से, और सारा सामान बिखरा पड़ा है। हैव यू ट्राइड, हैव यू रियली गिवन इट योर 100%? आई डाउट इट। 6 एंड अ हाफ आवर्स लेटर। क्या दिख रहा है आपको अलग? ये अब तुम क्या करके दोगे मुझे? राजमा चावल बनाऊंगी मैं तुम्हारे लिए। राजमा चावल बनाओगे? अभी मैंने तुम्हें क्या खिलाया? क्या खिलाया? ये मत रिवील करो यार, सारे रेजोल्यूशन हमारे खराब हो गए। गाइस अभी हम टिक्की चाट खा के आए, तो वही हो गया। कमरा साफ करने में ऐसा कोई ज्यादा मेहनत जाती नहीं, 15-20 मिनट जाते अपने दिन के, पर पता नहीं बस इसी काम में आलस आता है। बाकी सब कर लूंगा, बाकी टेढ़े मेढ़े काम सब कुछ, एक घंटे दो घंटे काम ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, पर ये 15 मिनट में पता नहीं क्या जान निकल जाती पूरी। इसमें
मिला है? है तुम्हारी भी जान निकल जाती, तुम भी नहीं करते कभी। अब नहीं निकलेगी। अब नहीं निकलेगी क्यों? क्योंकि हम ये काम किसी और को सौंप देंगे। तुम सौंप रहे हो काम किसको? Yes. किसको? आएगी कोई दीदी हमारी जिंदगी में। गाइस अब हम भी दीदी दीदी बोलने वाले होने वाले बस। हम भी बोलेंगे दीदी, ये दीदी प्लीज ये बर्तन वगैरह। पर खाना हम खुद बनाएंगे गाइस। ये तो है, खाना तो हम अपने ही हाथ का खाते। खाना हम नहीं, खाना तरुण बनाएगा। मैं बनाऊंगी। चलो अब से तुम्हें सिखाया जाएगा सारा खाना बनाना। अब तुम लाइट क्यों बंद कर दे रहे हो? नहीं मुझे पसंद आ रहा है तुझे ऐसे। हाँ लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा ये नॉइजी नॉइजी सा हमारा वीडियो। ठीक है चलो। पूरा साफ तो नहीं हुआ पर ऑलमोस्ट हो गया, मजेदार हो गया, एकदम चमचमाता फ्लोर। वाह ओ शाइन मार रहा देखो। ये गाइस ये सर्दियों में कपड़े सूखे भी नहीं लगते, जब भी छुए से ठंडे ठंडे से लगते हैं। समझ नहीं आता सूख गए या अभी भी गीले है, मेरा कन्फ्यूजन। गाइस देखो क्या सर्विस है, वाओ थैंक यू। क्या लाए तुम? अरे मेरे पांव पे घुसाओगे क्या? कड़क चाय विद लेस, सॉल्ट विद पेपर। नाइस सॉल्ट विद पेपर, ये बहुत ओके ओके यार। मुझे भी अच्छा लगा। तुम भी ओके? नहीं 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 आ जाओ। ए मत ले जाओ, वापिस आओ। ए आ जाओ, आओ जल्दी बेटा, राजमा चावल बनाना है मैंने, अभी दूंगा नहीं। अच्छा धमकी, आ जाओ। बैंगन हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। गाइस मैंने एक सिप पी, तो बहुत कड़वी है यार। क्या चीनी डाली है मैंने? आज हद कड़वी बनाई तुमने चाय। कौन सा कड़वाटपन निकाल रहे तुम मेरे पे? सच में? हाँ बहुत ज्यादा पी के तो देखो। चलो तुम्हारी बारी। मजदूरी है कैसी हो रही है? हग दिया। ज्योति ने पोस्ट में गलत वो डाल दिया है टाइटल। मेहंदी में MEHNDI होता है पर इसने HAN। जिसने नोटिस किया होगा वो भी। कोई नहीं मैंने तो बताई थी पर तुम्हें स्पेलिंग तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं राइट थी पहले। मुझे क्या पता इंग्लिश में मेहंदी कैसे लगता है, मुझे क्या पता था कि कैसे लगता है। मुझे तो ये लगता था मेहंदी ऐसे लिखते होंगे इंग्लिश हिंदी में, अब मुझे क्या पता इंग्लिश में कैसे लिखेंगे मेहंदी। ज्योति हो गई नाराज कि उसकी कर दी मैंने स्पेलिंग गलत। कोई नहीं, पोस्ट में कितना आ रहे तुम्हारे व्यूज, वैसे भी चलता रहता है। हो गए क्या तुम? गाइस लड़कियों के उसमें इतने वो व्यूज क्यों आते हैं फालतू कंटेंट में? इधर देखना, एक महीने से डालना शुरू किया है तुमने, सोच रहे हो पता नहीं क्या डाल दिया, हम कब से मेहनत कर रहे हैं पता तुम्हें? आज एक मस्त डील मिली मुझे जेप्टो में। अगर कोई ऐसा यूजर है जो ऐसी चीजें यूज नहीं कर पाते जैसे ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, तो उसको बताना चाहता हूँ। आज मुझे मिला है ये इतना बड़ा टब 47 में स्ट्रॉबेरी क्रश। मैं स्ट्रॉबेरी खाता भी नहीं, मैं स्ट्रॉबेरी खाता भी नहीं गाइस, पर इतना बड़ा टब मिला था 47 का। मैंने बोला ऐसी डील हाथ से क्यों जाने देनी। गाइस यही जिंदगी का सबक है, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एकदम छट से ग्रैब कर लो सामने से। स्ट्रॉबेरी खाता भी नहीं होते। गाइस ज्योति ने हमारे लिए बनाई थी चाय, तो हमने उसके लिए बनाया है राजमा चावल और चल रहा है न्यूज बॉय। तुम कहाँ हो? आओ आओ। गाइस इतना राजमा चावल खा गया था कि ब्लॉग एंड करना ही भूल गया मैं। आपको बिना बाय बोले कैसे जा सकते हैं? तो ज्योति का तो हो गया दी एंड, वो तो थक गई, बहुत टाइम हो चुका है अभी तक। मैं और ज्योति ब्लॉग एडिट कर रहे थे, मैं ज्योति से सजेशन ले रहा था कि ब्लॉग में क्या डालूं। ज्योति कभी कभी अच्छी नहीं लगती ना गाइस, तो डिलीट करवा देती बहुत सारे फनी सीन्स। पर क्या ही मारोगे तुम बस मेरे वीडियोज वो करा सकते हो बस एडिट, उसमें अच्छे अच्छे इतने फनी क्लिप्स सारे हटवा दिए इसने। आप लोग अच्छे हो,
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस बहुत टाइम लग गया वीडियो एडिट करने में, छोटी छोटी क्लिप्स करके ऐड करके बहुत टाइम लग जाता है, तो पेट भर चुका है, नींद आ रही है, सुबह 6 बजे काम है, अभी रात के 2 बज रहे हैं, कैसे चलेगा गाइस ऐसे काम, मेरी नींद तो हो चुकी है हराम। मेरी नींद तो हो चुकी है डिस्टर्ब, क्योंकि मैं सुबह से काम करता हूँ, फिर उसके बाद घर का काम करता हूँ, फिर उसके बाद ब्लॉग एडिट करता हूँ, इतने सारे काम हो चुके हैं गाइस, मेरा गेम खेलना, मेरा वीडियो देखना, सब कुछ स्किप हो चुका है आजकल जिंदगी से, पर कोई नहीं, अगर आपको मजा आ रहा है तो इस वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहूंगा, तो तब तक के टेक केयर, बाय बाय, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।